हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस समझाने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना वीडियो। फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है? राइट द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी है, आपने सिर्फ उनकी पोजिशंस को चेंज करना है, ओके? और नंबर टू, राइट द फॉर्म ऑफ बी आफ्टर द ऑब्जेक्ट। जो आपने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट लिखा है उसके बाद आपने बी की फॉर्म लिखनी है। फॉर्म्स ऑफ बी कौन कौन सी होती हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज या आर यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में वॉज या वर, कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग ऐड होगा, ओके, और परफेक्ट टेंस में बीन ऐड होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, आपने सब्जेक्ट जो भी आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो, ओके, उसके बाद आपने ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज़ करनी है। एड बाय टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट होना होता है एंड में, ऑब्जेक्ट होता है नहीं। जो भी सब्जेक्ट है वो तो वही रहेगा, काम करने वाला तो हमेशा वही रहेगा, आपने सिर्फ पोजिशन चेंज करनी है। ऑलवेज़ यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। आपने हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, इस रूल के कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल हमेशा फॉलो होगा एक्टिव पैसिव वॉइस में। एंड डोंट चेंज द टेंस, टेंस चेंज नहीं होगा। आपको लग रहा होगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो रही है तो टेंस भी चेंज होगा, नहीं, टेंस चेंज नहीं होगा। मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझाऊँगी, ओके? यूज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस इन द एंड। अगर आपने प्रोनाउन यूज़ किए हैं, उस सेंटेंस में प्रोनाउन है, तो आपने लास्ट में उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे कि आई को आपने मी में चेंज कर देना है, वी को अस में चेंज करना है, यू को यू में ही चेंज करना है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ही को हिम में चेंज करेंगे, शी को हर में चेंज करेंगे, दे को देम में, और इट को इट में चेंज करेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ये एक एक्टिव वॉइस है, आपने कैसे करना है इसको चेंज? अ सॉन्ग इज़ संग बाय हर। अ सॉन्ग को स्टार्टिंग में ले आए, उसके बाद इज़ लगाया क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ओके, और उसके बाद सिंग की थर्ड फॉर्म जो होती है संग होती है वो यूज़ करनी है, और बाय ऐड करेंगे, और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि हर लिखेंगे, ओके? तो इस तरह से आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर बनाऊंगी, तो आप ज़रूर वो देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। Thanks for watching, keep learning and please subscribe to my channel if you haven't done it yet and give your comments also. Thank you, see you in the next video. Till then keep learning and take care.